कोरोना से बचाव को लेकर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्क्रीनिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान मांडर के साकड़ा गांव में स्क्रीनिंग करने पहुंची टीम के साथ मारपीट की गई, जिसमें गांव की सहिया पिंकी करकेटा को चोटें आई हैं। वहीं मारपीट के आरोपी सोका उड़ाव और उनकी पत्नी बानो उड़ाव के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पिंकी करकेटा ने शनिवार को बीडीओ चिकित्सा प्रभारी व थाना प्रभारी को आवेदन दिया है, जिसमें कार्रवाई नहीं होने तक कार्य पर नहीं जाने की बात कही गई है। इस मामले पर मांडर के बीडीओ सुलेमान मंडारी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। इस संबंध में कल सैया लोग और उसका जो साथ और भी आए थे और उन्होंने एक लिखित ज्ञापन दिया है और उसके अनुसार से उन्होंने बताया है कि सकरा गांव में जब सर्वे टीम गई थी तो उस दरमियान वहाँ सूखा उड़ाव या उसके घर वाले के द्वारा मारपीट की गई है, गाली गलौज किया गया है, इस तरह का उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। अभी COVID-19 को लेकर के घर घर सर्वेक्षण का काम चल रहा है और उसके लिए टीम बनाई गई है और इस दरमियान स्क्रीनिंग का काम चल रहा है और टेस्टिंग का काम भी हो रहा है और उनके द्वारा जो मारपीट किया गया है वो गलत किया गया है और जो जिसके द्वारा मारपीट किया गया है जो असामाजिक तत्व हो सकता है तो पूरे गाँव वाले इसमें इन्वॉल्व नहीं है, एक या दो आदमी है जिस पर FIR भी दर्ज कर दिया गया है। थाना प्रभारी को इस संबंध में बोला गया था और उन्होंने बताया कि FIR हो चुकी है उस पर। सर, दो आदमी उनका क्या क्या नाम है सर? एक सूखा उड़ाव है और उसकी पत्नी का नाम है पानो उड़ाव करके है और FIR में पूरा डिटेल उसका उल्लेख किया गया है, वो थाना से आपको मिल जाएगी। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।